बेटा जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसमें जब ग्रिफिथ ने ऐसे स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को एक साथ मिला के माइस को इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। लेकिन जब ग्रिफिथ से ये पूछा गया कि ये स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में एक्चुअली आया क्या, कि ऐसी चीज ट्रांसफार्म हुई जिससे आर स्ट्रेन ये स्ट्रेन जैसे बिहेव कर रहा है, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल है क्या जिसके कारण उस चूहे की डेथ हो गई निमोनिया के कारण, ग्रिफिथ उस ट्रांसफार्मेंट के बायोकेमिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसी के एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते हुए 1944 में, मतलब 1944 में, ये देखिए तीन साइंटिस्ट आए, एक का नाम था एवरी, दूसरे का नाम था मैकलियॉड, एवरी मैकलियॉड एंड मैकार्थी, ये तीन साइंटिस्ट आए। इन तीनों ने मिलके ट्रांसफार्मेंट के बायोकेमिकल नेचर को बताया, मतलब ट्रांस एक्सप्लेन, आप चाहे लिख सकते हैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन्स बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मेंट, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मेंट, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मेंट के बारे में इन लोगों ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को मतलब आगे बढ़ाया था। क्या था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट, अगर आप एक बार याद के हो, आप पुरानी बातें याद करिए, ग्रिफिथ ने यस स्ट्रेन लिया था, यस स्ट्रेन अगर आपको याद हो तो इसे हीट किल्ड लिया था, मतलब लास्ट में उसने हीट किल्ड लिया था, इसको हाई टेम्परेचर से किल कर दिया था। और ग्रिफिथ ने दूसरा आर स्ट्रेन लिया था, इस आर स्ट्रेन को इसने लाइव लिया था। और ग्रिफिथ ने क्या किया था, अगर आपको याद हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंजेक्टेड इनटू माइस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन माइस पे इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, और माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई। बात यह थी कि इस यस स्ट्रेन से इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई भी चीज तो ट्रांसफर हुई जिससे आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन जैसे बिहेव किया, और वो जो चीज ट्रांसफर हुई उस चीज का नाम इन्होंने ट्रांसफार्मेंट रखा ग्रिफिथ ने। लोगों ने कहा कि अगर सोचे इस यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आया क्या, ग्रिफिथ ने इन तीनों साइंटिस्टों ने सबसे यहां पर इस जगह पर जिस समय ट्रांसफार्मेंट चल रहा था, इन्होंने सबसे पहले प्रोटीयस को, एक एंजाइम है प्रोटीयस, इस एंजाइम को अप्लाई किया इस लोकेशन पे, प्रोटीयस लगाया। जब इन्होंने प्रोटीयस लगाया इस जगह पर, जब इन्होंने प्रोटीयस लगाया, जब यहां पर इन्होंने आरएनएज लगाया, जिस समय ये चीजें ट्रांसफर हो रही थी, देखिए आरएनएज लिखा है, ये प्रोटीयस है, जब इन्होंने प्रोटीयस लगाया और आरएनएज लगाया ट्रांसफॉर्मेशन के समय, तब भी माइस की डेथ हो गई। मतलब आपसे मैं अगर पूछूं कि अगर प्रोटीयस यहां से यहां प्रोटीन ट्रांसफर होती और प्रोटीयस आप यहां अप्लाई कर रहे हैं, तो उस प्रोटीन का डाइजेशन ये एंजाइम कर देता, जब एंजाइम कर देता तो ये स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में वो ट्रांसफार्मेंट ना आता, जब ना आता तो चूहिया की जिंदा हो जाती। तो इसका मतलब प्रोटीयस लगाने पर भी चूहिया मर गई, इसका मतलब प्रोटीन इस सेल से इस सेल में ट्रांसफर नहीं हुई। दूसरा देखिए, इन्होंने आरएनएज लगाया, आरएनएज जब लगाया तब भी चूहिया जो है वो उसकी डेथ हो गई, इसका मतलब इस सेल से इस सेल में जो है आरएनए भी ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक नया रूप दिया, इस बार इन्होंने यस स्ट्रेन है, ये देखिए यस स्ट्रेन हीट किल्ड को, यस स्ट्रेन हीट किल्ड को देखिए, प्लस आप देखें आर स्ट्रेन लाइट को फिर से इन्होंने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस, और इस बार देखिए क्या हुआ, इन्होंने जिस समय यहां से यहां ट्रांसफार्मेंट आ रहा था, यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन पे ट्रांसफार्मेंट आ रहा था, इन्होंने एंजाइम लगा दिया, डीएनएज लगा दिया, ये देखिए डीएनएज लगा दिया, जब इन्होंने डीएनएज लगा दिया तो ये देखिए इस बार माइस लाइव हो गई, माइस क्या हो गई, लाइव हो गई, मतलब चूहिया जिंदा हो गई। इसका मतलब ये हुआ चूहिया अगर जिंदा हो गई तो चूहिया को निमोनिया नहीं हुआ, तो चूहिया को निमोनिया फिर क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जो चीज ट्रांसफर हो रही थी शायद वो ट्रांसफर नहीं हो रही थी, उसको किसने डाइजेस्ट कर लिया, उसके डाइजेस्ट कर दिया डीएनएज ने, इसका मतलब हुआ यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में डीएनए ट्रांसफर हुआ,
इस तरह से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि जो बायोकेमिकल नेचर है, बायोकेमिकल नेचर है इस ट्रांसफार्मेंट का, ये कोई प्रोटीन नहीं है बेटा, ये कोई प्रोटीन नहीं है बल्कि ये डीएनए है, बल्कि ये डीएनए है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आर स्टेट में डीएनए ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इसी एंजाइम को लगाने पर, डीएनए को लगाने पर चूहिया जिंदा हो गई। इसका मतलब ये सिस्टेंस आर स्टेट में डीएनए इस बार ट्रांसफर नहीं हुआ जैसा पहले हो रहा था। और इस तरह से इन लोगों ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। लेकिन दुख की बात है, ये देखिए, ये मैं यहाँ नोट लगा देता हूँ, एनसीईआरटी में आपको मिलाना है क्या लिखा हुआ है। देखिए, द साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम डू नॉट कन्विंस्ड विथ हिज एक्सपेरिमेंट। उस समय के प्रयोग में इन लोगों ने प्रयोग किया, इन्होंने बताया भी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, लेकिन सारे लोग उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक चीज अगर आप देखिए, सीआरटी ने लिखा है कि डीएनएज और डीएनएज में क्या फर्क है, तो अगर ये डीएनएज है तो इसका मतलब हुआ टाइप्स ऑफ डीएनए, अगर ये डीएनए के आगे यस लगा है तो टाइप्स ऑफ डीएनए। लेकिन अगर ये डीएनएज है, एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है, तो ये मतलब डाइजेस्ट करेगा एंजाइम को, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम को हम लोग डीएनएज कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यहां पर डीएनएज लगा है, एंजाइम लगा है जो इस स्ट्रेन से ट्रांसफर होते समय डीएनए को आर स्ट्रेन में ट्रांसफर नहीं होने दिया। जब आर स्ट्रेन में वो डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ तो आर स्ट्रेन या स्ट्रेन जैसे बिहेव नहीं किया, पर चाहिए जिंदा हो गई, इसको निमोनिया नहीं हुई। इस तरह से 1944 तक पूरी दुनिया में, इस खूबसूरत ग्रह धरती पे, इस पूरे ग्लोब पे किसी भी आदमी ने यह बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। 1944 आप देखें, 1944 ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1928 में था, 1928 के एक्सपेरिमेंट को 1944 में लोगों ने एक्सप्लेन किया, प्रोसीड किया, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन उस टाइम की दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, कोई मान ही नहीं रहा था। लाइए फाइनल डिस्कवरी हम लोग देखते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको फाइनली किसने एक्सप्लेन किया, आइए देखते हैं। बेटा देखो, 1952 में, मतलब इस भारत के आजाद होने के, संविधान लागू होने के 2 साल बाद 1952 में जाके पूरी दुनिया ये मानने के लिए तैयार हुई कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। 1952 में, ध्यान रखिएगा, 1952 में दुनिया मानने के लिए पहली बार तैयार हुई कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, हमने नहीं मानवाया। ये देखिए, ये दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम हर्से है और एक का नाम चेज है। इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट 1952 में किया और इन्होंने पूरी दुनिया की बात मनवा दी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। आइए इनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, समझते हैं कि कैसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। हर्से और चेज का एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने एक तो लिया था एक वायरस को जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ये वायरस है बैक्टीरियोफेज लैम्डा है। और दूसरा इन्होंने जो लिया था, एक बैक्टीरिया लिया था, इसका नाम एस्चेरिचिया कोलाई है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने किस पे काम किया था, तो ये एस्चेरिचिया कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसपे इन्होंने काम किया था, एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया जिसपे काम किया था। अब आप यहां समझे बेटा, यहां पर फोकस करें कि कैसे इन्होंने प्रयोग किया, क्या किया। सबसे पहले आप एक बात देख लें कि जब किसी भी जेनेटिक मटेरियल से रेडियो एक्टिव मटेरियल जोड़ दिया जाता है, पहले आप ये समझें, जब किसी जेनेटिक मटेरियल से रेडियो एक्टिव मटेरियल जोड़ दिया जाता है, जब किसी जेनेटिक मटेरियल से रेडियो एक्टिव मटेरियल को जोड़ देते हैं, तो इस व्यवस्था को हम लोग प्रोब कहते हैं। आपको ये बात आज याद करनी पड़ेगी कि जेनेटिक मटेरियल को जब हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल से जोड़ देते हैं तो इसे प्रोब कहते हैं। क्या किया इन्होंने, देखिए, इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज लैम्डा वायरस को लिया, ध्यान से देखें, इस बैक्टीरियोफेज लैम्डा वायरस को लिया। तो इन्होंने ये क्या किया कि ये वायरस है हमारा बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ये इसके प्रोटीन की कोड है, इस कोड का नाम कैप्सिड है, अगर आप समझे तो इसे कैप्सिड कहते हैं। इस कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसे कैप्सोमियर कहते हैं। ये कैप्सोमियर बनी है प्रोटीन की, और इस प्रोटीन को, मतलब इन्होंने इस प्रोटीन की कोड को, इन्होंने इसको सल्फर 35 से रेडियो एक्टिव मटेरियल से जोड़ दिया।
सल्फर 35 रेडियो एक्टिव मटेरियल से जोड़ दिया। सल्फर 35 जोड़ दिया, ऐसा क्यों जोड़ा? क्योंकि जो प्रोटीन होती है, अगर आप इसको और डीप में समझें तो ये अमीनो एसिड की बनी होती है, और अमीनो एसिड में दो अमीनो एसिड होती हैं, एक का नाम होता है बेटा मिथियोनिन और एक का नाम होता है सिस्टीन। मिथियोनिन और सिस्टीन ये दो ऐसी अमीनो एसिड हैं जिनके ऊपर सल्फर पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इसको जो है इस बैक्टीरियोफेज को इसकी प्रोटीन की कोट से सल्फर 35 को जोड़ दिया। मतलब अगर आप समझें इसके बारे में अगर लिखना हो तो इसकी जो कैप्सिड है वो कैप्सिड जो है रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, मतलब उसमें इन्होंने सल्फर 35 जोड़ दिया ये। लेकिन आप इसके ये देखिए, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, और इसका जो डीएनए है, जो इसका डीएनए है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, नॉन रेडियो एक्टिव क्यों है, तो आप बता दीजिए क्योंकि इन्होंने जो जोड़ा है, इन्होंने जो सल्फर को जोड़ा है ये इसकी कैप्सिड से जोड़ा है, ये बात आपको समझना है। प्रोटीन की कोर से जोड़ा है, डीएनए से नहीं जोड़ा है। ये पहला इन्होंने किया, पहला एक व्यवस्था इन्होंने सेटअप बनाया। दूसरा सेटअप देखिए, इन्होंने एक सेटअप और बनाया, इन्होंने दूसरा जो सेटअप बनाया वो ये बनाया, आप यहीं पर देख लें। दूसरा सेटअप इन्होंने ऐसा बनाया कि इन्होंने एक दूसरा बैक्टीरियोफेज लिया, ये देखिए ऐसे इन्होंने, ये भी एक बैक्टीरियोफेज है, इस पे इन्होंने ऐसे इस तरह से किया। ये इसकी क्या है, कैप्सिड है, ये दूसरी कंडीशन है, ये इसकी कैप्सिड है मतलब प्रोटीन की कोट है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये दूसरी तरह का बैक्टीरियोफेज इन्होंने लिया, और इसके इस डीएनए को फास्फोरस 32 से अटैच कर दिया। फास्फोरस 32 से अटैच कर दिया, इसका मतलब अगर आपको लिखना हो तो इसका डीएनए जो है, इसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है, इसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है, जबकि इसकी प्रोटीन की कोट नॉन रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन की कोट नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से जुड़ी नहीं है। मैं ये सिखाना चाहता हूं आपको, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से जुड़ी नहीं है। फिर से आप समझ लें, इन्होंने दो तरह की व्यवस्था बना रखी है। पहला बैक्टीरियोफेज लिया जिसमें इन्होंने इसकी प्रोटीन की कोट से सल्फर 35 को जोड़ा, तो इसकी प्रोटीन की कोट जो है रेडियो एक्टिव है, लेकिन डीएनए इसका नॉन रेडियो एक्टिव है, ये पहले वाला। अच्छा, प्रोटीन की कोट से सल्फर को ही क्यों जोड़ा? अगर आपसे पूछे तो आप ये बताइए कि सल्फर इसलिए जोड़ा क्योंकि प्रोटीन की कोट कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सिड कैप्सोमियर की बनी है, कैप्सोमियर प्रोटीन की बनी है, प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी है, और अमीनो एसिड जो है वो मिथियोनिन सिस्टीन की बनी है। ये तो ऐसे मिथियोनिन सिस्टीन दो अमीनो एसिड है जो सल्फर इनके पास पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग है, इसलिए प्रोटीन की कोट में सल्फर 35 को ऐड कर दिया। इस तरह से दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस इन्होंने लिया, बैक्टीरियोफेज लिया, और इन्होंने इसकी कैप्सिड से कोई भी जेनेटिक मटेरियल ऐड नहीं किया। आप इस बात को समझें, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इसके प्रोटीन की कोट से कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन इसके जो डीएनए था उसके फास्फोरस 32 को अटैच कर दिया। अगर आपसे पूछा, आप हमसे पूछें कि यार एनकेटी सर ये बताओ कि इसमें फास्फोरस 32 क्यों अटैच कर दिया, तो फास्फोरस 32 इसने इसलिए अटैच कर दिया मेरे बेटे कि जो ये डीएनए होता है इसमें, अगर आपने पढ़ा हो कि इसमें एक होता है नाइट्रोजन का बेस, और अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और तीसरा इसमें होता है फास्फेट, इसीलिए डीएनए को उन्होंने फास्फोरस 32 से अटैच कर दिया। अब आपको यह समझना है कि एक बैक्टीरियोफेज है जिसमें प्रोटीन की कोट रेडियो एक्टिव है, डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है, दूसरा है जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन की कोट नॉन रेडियो एक्टिव है। यह बात समझनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके इस एक्सपेरिमेंट के सीक्वेंस को समझना चाहें, कैसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सबसे पहले तीन स्टेप उठाए। पहला स्टेप जो था उसे इन्होंने इन्फेक्शन कहा, हम आपको सिखाएंगे इन्फेक्शन क्या है। दूसरा जो इन्होंने स्टेप लिया उसे ब्लेंडिंग कहते हैं, और जो तीसरा स्टेप था उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इस तीन एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया ने 1952 में ये बात मानने के लिए वो तैयार हो गई, सारी दुनिया, ये पूरी कायनात तैयार हो गई कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। बस आपको ये बात समझनी है कि इसका जो डीएनए वो नॉन रेडियो एक्टिव है और प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है, इसका उल्टा यहां पे है, डीएनए रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन कोट नॉन रेडियो एक्टिव है। ये बात समझनी है, दो अलग अलग बैक्टीरियोफेज लिए, दोनों को इन्होंने
रेडियोएक्टिव मटेरियल से जोड़ दिया, जब किसी जेनेटिक मटेरियल को रेडियोएक्टिव मटेरियल से जोड़ते हैं तो उसे प्रोब कहते हैं। अगर आपसे कोई स्टेप पूछे तो पहला स्टेप बताइएगा इन्फेक्शन है, दूसरा स्टेप बताइए ब्लेंडिंग है, और तीसरा स्टेप बताइए कि सेंट्रीफ्यूगेशन है। आइए इसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं। चलो भाई देखो एक्सपेरिमेंट, देखो क्या एक्सपेरिमेंट है बहादुर इन दोनों लोगों का। मैंने अभी बताया आपको ये 1952 का एक्सपेरिमेंट है, पूरी दुनिया को ये मनाने के लिए तैयार है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। कैसे मनाते हैं देखिए, इन्होंने ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एनसीईआरटी में दो अलग अलग ही प्रयोग एक साथ कर रहे हैं। मतलब अगर आप एनसीईआरटी को चाहें तो ऐसे बीच से आप इसको एनसीईआरटी को ऐसे दिमाग धीरे से बांट दें। एनसीईआरटी को बांटना है, दिल को नहीं बांटना है, नहीं कट हो जाएगा। हाँ ये बात समझ नहीं आपको, ये जो आपको सेल दिखाई पड़ रही है इस सेल का नाम स्टेराइचिया कोलाई है। आपको कहाँ मिलती है, हमारे पेट में मिलती है। कहाँ मिलती है, अरे यार कोलन में मिलती है। क्या है वो, सपने में मिलती है, ये कोलन में मिलती है। क्या मिलती है, एस्टेराइचिया कोलाई। सपने में कौन मिलता है सोचो अपने हिसाब से। तो ये एस्टेराइचिया कोलाई बैक्टीरिया है। जब ये एस्टेराइचिया कोलाई बैक्टीरिया है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल ये देखिए मैंने इसी पेन से लगा दिया, बवाल खत्म, बोलो खत्म। और फिर सुंदर बना सकते हैं इसको, एनसीईआरटी ने इसको डबल लेयर बनाया है, इसको सुंदर बनाना हो और अच्छे से बना दो भाई। ये देखिए, तो ये पहला स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है। अब पहले स्टेप का नाम एनसीईआरटी ने बड़ा सा यहाँ लिखा है, खूब बड़ा सा लिखा है, आपको लिखना है इन्फेक्शन। ये एनसीईआरटी का पहला स्टेप है। ये तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, आपको ये बात भी समझनी है। अब आप देखें, ये इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, हमने इस बैक्टीरियोफेज को ले आके इससे अटैच कर दिया। ऐसे देखिए, ये भी हमारा बैक्टीरियोफेज है, हमने इसको भी ले आके इससे अटैच कर दिया। ये देखिए बैक्टीरियोफेज है, ये हमने जब इसको बैक्टीरियोफेज को ले आके अटैच कर दिया, और ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ये डीएनए है। अगर आप इसकी कोट को, अगर आप इसकी प्रोटीन की कोट को फास्फोरस 32 से कलर करते हैं तो आप इसके डीएनए को सल्फर 35 से कलर कर दें, सल्फर 35 से। आप ध्यान रखिए, इसका इसका डीएनए जो है रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन ना रेडियो, इसकी डीएनए रेडियो एक्टिव है और कोड जो है ना रेडियो एक्टिव है इसका। सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। ये देखिए आप फिर से देखें, इसकी प्रोटीन की कोड को आप सल्फर 35 से कलर कर दें, इसकी प्रोटीन की कोड को आप सल्फर 35 से कलर कर दें, और इसके डीएनए को, इसके डीएनए को फास्फोरस 35 से कलर कर दें, स्टेन कर दें, प्रूफ बना दें आप। तो इस समय प्रोटीन यहां पर कोड जो है रेडियो एक्टिव है, डीएनए ना रेडियो एक्टिव है, यहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन की कोड जो है ना रेडियो एक्टिव है। ये समझनी है आपको बात, ये सीखना पड़ेगा आपको। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका पहला स्टेप लिखते हैं कि सर इन्फेक्शन का मतलब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, तो इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे, सिंपल सा मतलब हुआ कि अटैचमेंट ऑफ, आप लिखें कि अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज विद विद एस्टेराइचिया कोलाई। ये पहला स्टेप हो गया, मतलब एस्टेराइचिया कोलाई से बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो गया, ये पहला काम हुआ। दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, दोनों में सीखना है। और एक बात चाहे तो आप और दूसरी बात भी लिख लें, इसी में एक काम और होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियोफेज, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियोफेज इनटू एस्टेराइचिया कोलाई, इनटू ई कोलाई। मतलब बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो इसमें ट्रांसफर हो गया। दूसरा स्टेप देखें आप, अब ये पहला स्टेप था इन्फेक्शन, दोनों एक्सपेरिमेंट में एस्टेराइचिया कोलाई की सेल से डीएनए आगे अटैच हो गया, मतलब वो बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो गया, और इस बैक्टीरियोफेज के कारण इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सेल के अंदर अपने आप चला आया। आपसे पूछे क्यों चला आया, इस एस्टेराइचिया कोलाई को ये लगता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल इसका अपना आया, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। फिर से मैं दोबारा कहता हूं कि एस्टेराइचिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज का डीएनए अपने आप ट्रांसफर हो गया, ऐसा इसलिए लगता है कि इस एस्टेराइचिया कोलाई को लगता है कि बैक्टीरियोफेज लिम्बा का जो डीएनए है वो एस्टेराइचिया कोलाई का खुद का अपना है, तभी तो आने देगा। अपने घर में किसी को क्यों आने देते, आपको लगता है हमारा अपना, तभी तो आने देते हैं आप। दूसरी बात देखिए, जब ऐसा हो जाता है दूसरे स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं,
दूसरे स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। ये दूसरा स्टेप है, ये देखिए, ये दूसरा स्टेप है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये दूसरा स्टेप है। यहाँ स्टेप का नाम लिख लीजिए, इस स्टेप का नाम ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग है। अगर आप ब्लेंडिंग का मीनिंग समझना चाहते हैं तो आप ब्लेंडिंग का पहले यहाँ पर मीनिंग लिख लें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ, कैसे क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में। तो अगर आप ब्लेंडिंग माने देखते हैं तो ये देखिए, रिमूवल ऑफ वायरल कोट, रिमूवल ऑफ बैक्टीरियोफेज कोट फ्रॉम ई कोलाई। हमने क्या किया कि हमने इस एस्चेराइचिया कोलाई की जो कोट थी उसको बैक्टीरियोफेज एस्चेराइचिया कोलाई से इस जो बैक्टीरियोफेज है इसको सेपरेट कर दिया, और इस प्रक्रिया को हमने ब्लेंडिंग का मतलब ये जो जुड़ा हुआ था इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अगर आपको सेपरेट करना है तो आप ऐसे करें और आप इसे प्लीज सेपरेट कर दें। ऐसा यहां पर भी आप करें, ऐसे करें आप, ये ऐसे करें, ऐसे कर दें। जब ये दोनों सेपरेट हो गया, ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज था, जब ये सेपरेट हो गया किसकी कोट से, इस बैक्टीरियोफेज की कोट से सेपरेट हो गया, इसे हमने ब्लेंडिंग कहा। अगर आप इस बात को समझे कि इस चौक से ये जो कलर आप देख रहे हैं, इस कलर से हमने इस बैक्टीरियोफेज का एस्चेराइचिया कोलाई का डीएनए बनाया था, और अगर आप इस पेन का, इस चौक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बैक्टीरियोफेज का हमने जो है डीएनए बनाया हुआ था दोनों का। अब हुआ क्या कि जब इसका डीएनए इसमें चलाया, इसका डीएनए इसमें चलाया, बैक्टीरियोफेज का डीएनए एस्चेराइचिया कोलाई में चलाया, तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम दोनों के डीएनए को पहचान नहीं सकते हैं। इसमें एक कलर है, ये जो कलर है ये जो है बैक्टीरियोफेज के डीएनए का है, और इसमें जो दूसरा कलर है वो जो है एस्चेराइचिया कोलाई के डीएनए का है। अब दोनों के डीएनए मिक्स हो गए। जब दोनों के डीएनए मिक्स हो गए तो प्रयोग में लोगों ने तीसरा स्टेप उठाया, इस स्टेप को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन किया इन लोगों ने, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और सेंट्रीफ्यूगेशन माने क्या हुआ आप ये बात समझे। सेंट्रीफ्यूगेशन इन लोगों ने इस प्रयोग का किया, और ये देखिए ये ऐसे था, ये तीसरा स्टेप है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया आप देख बेटा, और सेंट्रीफ्यूगेशन में ये आप इसको वायरस को ऐसे बाहर ही रहने दें, बैक्टीरियोफेज को, इसकी कोट को आप ऐसे सेपरेट रखें, ये देखिए। और सेंट्रीफ्यूगेशन करके इन्होंने इसके वायरस के डीएनए को मतलब बैक्टीरियोफेज के डीएनए को और एस्चेराइचिया कोलाई के डीएनए को सेपरेट कर दिया, ये तीसरा स्टेप है। तो अगर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन लिखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन माने क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन माने क्या होता है, तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन माने लिखना है सेपरेशन ऑफ ऐसे लिखते हैं बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई डीएनए, बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई डीएनए। अब आपको रिजल्ट है ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनना है आपको। जब इसका जो रिजल्ट आया वो ये आया, इस वाले को पहले देख लें, इसमें आप ध्यान रखें कि कोट के ऊपर रेडियोएक्टिव मटेरियल है, डीएनए के ऊपर नहीं है। तो इसमें इसका जो रिजल्ट आया वो ये आया कि देखिए, सल्फर 35 इज प्रेजेंट इन, सुपरनेटेंट मतलब जिस मीडियम में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, सल्फर 35 वहां पाया गया मीडियम में। दूसरा, नो रेडियो एक्टिव मटेरियल, थोड़ा सा टफ है आपको सीखना है, नो रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड सेल। मतलब यह हुआ कि मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन है, कहां जोड़ा गया था, आप कहेंगे कोट से, तो कोट में रेडियो एक्टिव मटेरियल जोड़ा गया, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जहां मिलेगा हम तभी तो मानेंगे कि अगर ये सल्फर 35 इस सेल के अंदर मिल जाता, सल्फर 35 इस चराचर कोलाई की सेल के अंदर मिल जाता तो आप क्या कहते, आप यही तो कहते कि सल्फर 35 वाली चीज वो सेल के अंदर आई है। बहुत कॉमन सेंस की बात है, दिल खोल के सीखिए इस बात को कि अगर वो सल्फर 35 सेल के अंदर मिल जाता तो आप क्या कहते, नहीं क्या कहते आप, यही तो कहते ना कि सल्फर 35 अगर सेल के अंदर चलाया है तो सल्फर 35 वाली चीज सेल के अंदर आई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो सल्फर 35 इस एस्चेराइचिया कोलाई के सेल के अंदर दिखी ही नहीं, इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि सल्फर 35 सेल के अंदर नहीं आई।
सल्फर 35 ना, इसका मतलब प्रोटीन सेल के अंदर नहीं आई, इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुई इस बैक्टीरिया फोज से इस सेराइचोकोलाई में। ये बात सीखनी है आपको। यहां पर आप देखिए रिजल्ट क्या आया, यहां पर देखिए फास्फोरस 35 इज प्रेजेंट, फास्फोरस 35 इज प्रेजेंट इन सेल, फास्फोरस प्रेजेंट 32 इज प्रेजेंट इन सेल। उल्टा देखिए, नो रेडियो एक्टिव मटेरियल, नो रेडियो एक्टिव मटेरियल, नो रेडियो एक्टिव मटेरियल, नो रेडियो एक्टिव मटेरियल इन सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, आप इसे जरूर सीखे, मेरा बड़ा मन है कि फास्फोरस 35 को आपने किससे अटैच किया था, बोलिए डीएनए से। तो फास्फोरस 35 कहां लिखा, देखिए यहां पर फास्फोरस 35 लिखा हुआ कि फास्फोरस 32 सेल के अंदर आया, मतलब जिस चीज पे फास्फोरस थी, फास्फोरस कहां थी, डीएनए में है, फास्फोरस तो डीएनए में है, और वो फास्फोरस वाली चीज जो डीएनए से अटैच है, जिसको रेडियोएक्टिव मटेरियल से जोड़ रखा था, वो इसके सेल के अंदर दिखाई पड़ी, लेकिन मीडियम में नहीं दिखाई पड़ी। इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज से इस सेराइचोकोलाई में फास्फोरस 32 वाली चीज आई। इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरियोफेज से सेल के अंदर कौन आया, डीएनए आया, लेकिन यहां पर सल्फर 35 इसके सेल के अंदर नहीं दिखा, मीडियम में दिखा। इसका मतलब सल्फर 35 वाली चीज बैक्टीरिया फेज से इस सेराइचोकोलाई के अंदर नहीं आई। इसका मतलब सल्फर 35, सल्फर किस में है, प्रोटीन से अटैच है, प्रोटीन की चीज है। इसका मतलब इस केस पे ये प्रूफ होता है कि प्रोटीन सेल के अंदर नहीं आई, क्योंकि सल्फर 35 सेल के अंदर, इस सेराइचोकोलाई सेल के अंदर नहीं दिखा, लेकिन यहां पर फास्फोरस 35 सेल के अंदर दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बैक्टीरिया फेज से, इस बैक्टीरिया फेज से इस सेल के अंदर, इस सेराइचोकोलाई के अंदर डीएनए आया। और इस तरह से इन लोगों ने ये बात फाइनली प्रूफ कर दी हर्षे और चेज ने कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। उसमें पूरी दुनिया ये बात मानने के लिए तैयार हो गई कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तीन स्टेप याद कर लीजिएगा, पहला स्टेप इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, इन्फेक्शन में आके अटैच हो रहा है, ब्लेंडिंग में प्रोटीन कोट को बाहर कर दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में दोनों के जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट कर दे रहे हैं। रिजल्ट ये है कि इसके अंदर सल्फर 32, सल्फर 35 सेल के अंदर नहीं आया, जबकि इसके सेल के अंदर फास्फोरस 35 32 आया। इसका मतलब डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसमें फास्फेट है।